ये देखिए चटनी में भरपूर, इसे मैं खा के एंजॉय में एंटर हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, हमें फैसिलिटेट किया, देयर इज नो क्राउड, वैसे क्यूज लगी हुई है लोगों की। रेट टू हाई होगा, मार्च में जाके कुछ रेट इसका डाउन होगा, क्योंकि जो भी चीज नहीं आती है उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अलवी सब ऑमलेट, दो पराठे और चाय गरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, इस वक्त मॉर्निंग के 6:30 से ऊपर हो चुका है टाइम, और मैं फजर की नमाज की दुआओं के बाद जो है ना आपसे मुखातिब हूँ। आज का दिन हमें क्या बता रहा है? आज का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक अहम दिन है, और मेरा मोटिवेशनल मैसेज है कि आप इस दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करें, और तस्बीहात और कलमात के बाद हम दुआ मांगूंगी कि अल्लाह ताला आज का दिन मेरे मुल्क के लिए बहुत बेहतर करे। और दुआओं की तस्बीह पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और इसके बाद हम लोग तैयार होंगे वोटिंग पर जाने के लिए। पानी थोड़ा रखते हैं तो आपका कप छोटा बनाती हूँ, ये रहा मेरा। जब अलवी साहब पानी रखते हैं तो कम रखते हैं, बातें ना करें, गर्मा गर्म नाश्ता करें। और पता है ना आपको आज क्या करना है? अभी जाके अपने अच्छे सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। आप जो पोलिंग स्टेशन पे तो पता नहीं कितनी देर लग जाए। मैंने एक दफ़ा ड्यूटी दी थी तो मैंने आलू के नान खिलाए थे, सभी टीचर्स को ले गए थे, इसलिए मैंने छोटे छोटे से पराठे बनाए। हमारे थोड़े से ऑरेंजेस जो हम रास्ता में खाएंगे, और मैंने पानी भी रख लिया क्योंकि मौसम बदल रहा है और धूप में लगता है। साहब जैकेट पहन रहे हैं, कॉल से फारिग हो चुके हैं, और अपना मोबाइल लेकर मैं इनके साथ। राइट, सनी मॉर्निंग फ्रेंड्स, कोजी वॉर्म फुल ऑफ जो वाइटैलिटी, अ वाइब्रेंट डे, एंड वी आर लिविंग फॉर गुलबर्ग फ्रॉम हेयर द लेक सिटी। रवाना हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अपने पोलिंग स्टेशन का नहीं पता कि हमने किस जगह से वोट कास्ट करने हैं, तो आप एक काम करें, आईडी कार्ड नंबर लिखें अपना, और इलेक्शन कमीशन की एक ऐप है 8300, उस पर सेंड कर दें, और आपको इंस्टेंटली डिटेल आ जाएंगी कि आपका हल्का कहाँ से बिलोंग करता है और आपने कहाँ जाना है, वरना आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और फ्यूल भी। इस वक्त पूरे कंट्री में नेट जो है वो डिसकनेक्टेड है, इट इज़ फॉर द सेफ्टी पर्पज अंटिल द इलेक्शंस आर ओवर टुडे। इसके बाद शायद सर्विस जो है वो रिस्टोर हो जाए। मैंने आपसे कल की व्लॉग जो थी, अलवी साहब जैकेट पहने मगन हैं और बिल्कुल फोकस ड्राइव कर रहे हैं, ही हार्डली टॉक्स ड्यूरिंग ड्राइव, लेकिन मैंने तो फिर बोलना ही होता है उनको, पता है। ये देखिए कितनी अच्छी क्लियर रोड है, जिस इलाके से मैं रहती हूँ बिल्कुल भी रश नहीं होता। और यहाँ पर रास्ते में ये देखें, ग्रीन बेल्ट के ऊपर आप देख रहे हैं कि वो ब्लूम लीग के जो है वो फ्लैग्स लगे हुए हैं, और ये प्रमोशंस हो रही है। इसी तरह हर पार्टी ने अपने अपने झंडे लगाए हुए हैं, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। इट इज़ ऑल पर्सनल डिटेल, आई एम नॉट डिस्कसिंग टू विच पार्टी यू आर गोइंग टू कास्ट द वोट, इट्स ऑल पर्सनल। देखें डिजर्टेड लुक है, या तो अभी लोग निकले ही नहीं है, सो रहे हैं। लाहौरी जो है वो आधी दोपहर तक तो नाश्ते ही करते रहते हैं। जनाब जिस दिन छुट्टी होती है ना, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अच्छा सा ब्रेकफास्ट, पूड़ियाँ पराठे। गाड़ी में फ्यूल डाल लिया था और हम अपनी मंजिल मकसूद पर जा रहे थे। फ्रेंड्स, आज सबसे बड़ी डिफिकल्ट बात ये हो रही है कि देर इज़ नो नेट सर्विस ओवर हियर इन आवर कंट्री टुडे, और अलवी साहब जो है ना वो पूछ पूछ के जा रहे हैं लोगों से। हमने जाना है ज्वेरी यूनिवर्सिटी गुलबर्ग, तो उसकी जो है ना वी आर नॉट फेमिलियर। अभी अलवी साहब ने लोगों से पूछा और आई थिंक ही हैज गॉट इट द वे ओवर देयर, वहाँ पे हमारा हल्का है। काल लिया मैंने एक किन्नू, और इस किन्नू को छील के खाते हैं फ्रेंड्स, और पानी की बॉटल भी मेरे साथ है, लेकिन छिलके बाहर नहीं फेंकने, छिलके गाड़ी के अंदर शॉपर में रखने। सब खाना तो खा लें, एक बचा और भी है, हंसी आ रही है। फ्रेंड्स, हम टनल में जहाँ से एंटर हो रहे हैं, लाहौर इतना मॉडिफाई हो चुका है, अंडर ब्रिजेस हैं और ओवर हेड ब्रिजेस हैं, फ्लाई ओवर ब्रिजेस हैं, और आप हम लाइट की तरफ जा रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स टॉस मार्केट गुलबर्ग। फिर किसी से पूछने गए हैं, बट ही हैज द स्पिरिट, और वो फिर पूछ कर आए अभी, और अब उनको रास्ता कुछ समझ आएगा। हमने हिजवेरी यूनिवर्सिटी जाना, आ गया समझ आपको? ये देखिए यहाँ पे रोड साइड फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, यहाँ पे भी ऑरेंजेस हैं, अबंडेंस स्ट्रॉबेरीज भी आ चुकी हैं। फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी। रेट टू हाई होगा,
मार्च में जाके कुछ रेट इसका डाउन होगा, क्योंकि जो भी चीज़ नई आती है उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं स्ट्रॉबेरी मुजीतो बनाना चाहती हूँ। एंटर हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें फैसिलिटेट किया, देयर इज नो क्राउड, वैसे क्यूज लगी हुई है लोगों की। यहाँ पे बहुत सारे क्यू है, बट आई एम वेटिंग विद द पेशेंस। पॉडकास्ट, मेरी शक्कर गंदी, पोट डालने के बाद थोड़ी सी हो जाएगी पेट पूजा। ये देखिए मेरे थंब पर लाइन, दैट इंडिकेट्स दैट आई हैव पार्टिसिपेटेड इन पोलिंग एक्टिविटी। और मजे की बात है फ्रेंड्स, ये हम अपना जो है ना, जिसमें हमारा हल्का नंबर वगैरह लिखा हुआ था ना, उस फोन को हम घर भूल आए थे और आधे रास्ते से फिर दोबारा गए थे। और अलवी कहते हैं नहीं जाना, बहुत दूर है, रश होगा, बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन लेडीज का कुछ रिगार्ड करते हुए और कुछ जरा वो अच्छे उसका करते हुए ना, सीनियर सिटीजन का लीग को मेरे साथ ही भेज दिया उन्होंने, और हमने तकरीबन 15 मिनट्स के अंदर अपनी पोलिंग एक्टिविटी जो वो कंप्लीट कर ली और एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का प्रूफ दे दिया। तो जो भी हर्डल्स हों, जरूर खाना होता है। यहाँ पे मुझे कोई ऑरेंज जूस वाला नहीं मिला, जो मुझे डिस्पोजेबल ग्लासेस में जूस देते, तो अब देखते हैं वो ला रहे हैं स्नैक चटनी वाला, अच्छा सा समोसा खाएंगे और कोई लंच नहीं करेंगे, फिर मैं जाके रेस्ट करूँगी। शाम को आपके लिए एक रेसिपी आ रही है, रमज़ान पकवान आ रहे हैं। रमज़ान में आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, इफ्तार मेनू सीखना चाहते हैं और सहरी के जो हैं वो पकवान सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कनेक्टेड रहिए। मज़ेदार सा प्लान मेरे पास तो है ही आप लोगों के लिए। ये देखिए समोसा आ चुका है, मीठी चटनी वाला गरम गरम समोसा थोड़ा सा खाऊंगी मैं और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे घर। ये देखिए चटनी में भरपूर, इसे मैं खा के एंजॉय करके आपको बताती हूँ। लाहौर इज फेमस फॉर सच स्ट्रीट फूड्स फ्रेंड्स। खट्टा मीठा, शुक्र है कि जिस समोसे में मुझे धनिया तो नज़र आए, तो पीछे देखा आपने वो मुझे अलवी नजर। शाम के 4:30 हो रहे हैं, असर की अजान हो रही है और मैं वजू करके आई हूँ। ये व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शाम को आप थी अलवी साहब गए तो गेट पर मेरी फ्रेंड ने ड्राइवर के हाथ मुझे ये वापस भेजा, ये बर्तन उनका था और ये वाला मेरा था। ठीक है जी, मेरा तो छोटा था, उसने इसमें मुझे भेजा और ये उसने भेजे हैं राइस, जो कि चाइनीज़ राइस पक रहे हैं, इनको गर्म करके खाएंगे, खाली बर्तन नहीं भेजते। अम्मी भी यही कहती थी कि जब किसी अलवी साहब को चाय देते हैं और उठाते हैं, क्योंकि आज सारा दिन तो हमने वोटिंग का ट्रेवल किया है। वो ड्राइंग रूम में सोए हुए ब्लैंकेट लेकर और मैं चाय के साथ देखती हूँ कांटेदार मुकाबलों के रिजल्ट्स। दम आ चुका था, इसमें दूध डाल के चाय के साथ क्या खाते हैं अभी दिखाते हैं आप। आधे चाय रख दी है मैंने। ये थे हमारे कल के क्रॉकेट जिनको मैंने ओवन में हीट किया और ये हमारी गर्म गर्म चाय। आज मेरी मेड नहीं आई फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं एक मग येलो है और एक ब्लू है, वो भी छुट्टी बना रही है, साथ में टीवी लगा। देख लेना पास से आपको एग्जाइटी में पास खड़े हो गए, टेबल पे बैठ जाए सामने वो देखें।